आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे बिहार राजनीति से जुड़ी आ रही उस बड़ी खबर का, जिसमें यह बताया जा रहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी को लवली आनंद के खिलाफ चुनाव लड़ाने का प्लान बना लिया है, जिसको लेकर लालू प्रसाद यादव डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी से संपर्क में भी है। इस पूरे खबर पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रणनीति बनाने में लग गई हैं। खबर है कि लालू प्रसाद यादव भी उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में लग गए हैं। आपको बता दें कि जब से आनंद मोहन ने राजद पार्टी को चकमा दिया है, तब से लगातार लालू प्रसाद यादव आनंद मोहन को सबक सिखाने के प्रयास में लगे हुए हैं। यही कारण है कि लवली आनंद के खिलाफ चुनाव लड़ाने के लिए लालू प्रसाद यादव ऐसे प्रत्याशी का तलाश कर रहे हैं जो लवली आनंद को बुरी तरह से चुनाव हरा दे। जिसको लेकर ही सूत्रों से यह खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव ने लवली आनंद के खिलाफ चुनाव लड़ाने के लिए डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी से संपर्क साधा है, जिस पर डीएम जी कृष्णैया की पत्नी ने सकारात्मक रिस्पांस भी दिया है। आपको बता दें कि यह वही डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी हैं, जिनके पति के हत्या के मामले में आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा हुई थी। चूंकि जी कृष्णैया गोपालगंज के तत्कालिक डीएम थे, जिस कारण भारतीय कानून के अनुसार आनंद मोहन को जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी, पर नीतीश कुमार ने कानून में संशोधन कर आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाल दिया है। चूंकि यह हो सकता था कि नीतीश कुमार पुनः कानून में संशोधन करके आनंद मोहन को जेल में डाल दें, जिस डर से आनंद मोहन का पूरा परिवार नीतीश कुमार के शरण में चला गया है। अब खबर है कि नीतीश कुमार लवली आनंद को लोकसभा चुनाव भी लड़ाने जा रहे हैं। खैर, नीतीश कुमार जहां से भी लवली आनंद को चुनाव लड़ाए, लालू प्रसाद यादव ने भी आनंद मोहन परिवार को सबक सिखाने का फुल मूड बना लिया है, जिसके लिए लालू प्रसाद यादव डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी से संपर्क में भी है, ताकि लवली आनंद के खिलाफ चुनाव लड़ाकर लवली आनंद को बुरी तरह से हराया जा सके। वैसे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।